Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, जो आपका पेपर वन हायर एजुकेशन का पार्ट है और हमारे पेपर टू एजुकेशन में यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है. साथ साथ यूनिट 2 में भी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं हिस्ट्री पार्ट में. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसको डिस्कस करेंगे हम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रूसा कहेंगे. देखिए क्या है ये, अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, देखिए इससे पहले हमने एसएससी किया था, सर्व शिक्षा अभियान, वो भी एक टाइप का अभियान था जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन तक की बात की. फिर हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किया जिसने कहा एलिमेंट्री एजुकेशन दे दी और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो गई, चलो ठीक है. अब आपने जो सेकेंडरी लेवल पे माध्यमिक शिक्षा की बात है, सेकेंडरी एजुकेशन डिस्कस किया हमने, उसको एक स्टेप फर्दर करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे, उसको एक स्टेप फर्दर करते हैं. तो दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. दैट मीन्स अब हायर एजुकेशन की बात हो रही है. अब आपकी कैसी एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की. ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें आपने कुछ की एलिमेंट्स को ध्यान रखना है. जैसे हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, अब इस क्लास में आपने हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी की एलिमेंट्स हैं उन्हें कंसिडर करना है. अब हायर एजुकेशन में दैट मीन्स हायर एजुकेशन की फंडिंग क्या होगी, किस टाइप की ये स्कीम थी और क्या क्या इसके की एलिमेंट्स थे, इसमें कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो सब डिस्कस करेंगे हम इसमें. ठीक है, कैबिनेट अप्रूव कॉन्टिनेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ RUSA दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन मिशन. अगर इंग्लिश में बोले तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मीन्स नेशनल हायर एजुकेशन मिशन हम कहेंगे, जिसे अब थोड़ा सा कॉन्टिनेशन मिल गई, 2017 से 30 तक का टाइम मिल गया. देखिए जब हमारा 12th और 13th प्लान, 5 ईयर जो प्लान था उन दोनों के अंडर इसको रखा गया, क्योंकि 12th में भी रखा गया था, फिर कॉन्टिनेशन मिल गया, आपका 13th प्लान में भी आ गया, 2017 तक था और एक दूसरा आपका 2022 तक था. ठीक है, अब देखिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इसके कॉन्टिनेशन को और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. हियर मींस कि जो स्कीम सेंटर ने अप्रूव की है और सेंटर ही उसे फंड कर रहा है. सेंटर ये मींस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी होगी, और वो उसे फंडिंग दे रही है, उसको डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में डेट की अगर बात करें तो RUSA लॉन्च हुआ था 2013 में. एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. स्ट्रेटेजिक क्यों है, क्योंकि कैसे फंडिंग की जाएगी उस पर काम करेगा. फंडिंग देगा सेंट्रल, लेकिन स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देगा. इसलिए देगा ताकि वो रिफॉर्म कर पाए स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम को. ठीक है, स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर पाए ताकि हायर एजुकेशन भी सबको मिले. आपकी मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको 5 पिलर्स बताए थे कि जो हमारी एजुकेशन के 5 इंपॉर्टेंट एम्स हैं या पिलर्स हैं, दैट शुड बी एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो आपके जो 3 एक्सेस है ना, कि 3 फीचर है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, इन 3 चीज़ों पर काम किया है इसने. ठीक है, रूसा प्लेस ग्रेट इम्फेसिस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ quality of teaching learning in order to provide employable and competitive graduate and postgraduate courses. देखिए जब हम हायर एजुकेशन institutions की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आती हैं उसमें आपकी. हायर एजुकेशन institutions में आपकी आती है 3 चीज़ें, colleges, universities, ठीक है, और institutes. तो इन सबको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं और ऐसे इम्प्रूवमेंट दें जिसमें हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करें, ताकि हम जॉब दे पाएँ, एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएँ और टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना है. अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे स्टूडेंट होंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगी. अब क्वालिटी एजुकेशन के साथ बाकी का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है तो आपको जॉब भी मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी निकल कर आ रही है. आप जो सीख रहे हैं वो बहुत ही काम का है. अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये CSS. द सेंटर फंडिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40. अगर हम बोले नॉर्मल जनरल कैटेगरी के जो स्टेट हैं, तो 60-40 का रेशियो है, 60% सेंटर 40% स्टेट. 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट. अगर हम स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो 90:10, 90% सेंटर गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी. स्पेशल कैटेगरी में हो गए आपके हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, और अगर 100% है यूनियन टेरिटरीज के लिए. ठीक है, तो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, 60-40 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स,
90:10 फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें, अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की क्या था। मैंने आपको पहले ही बताया कि तीन चीज़ों पर काम करेगा, टू इम्प्रूव एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। अब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इम्प्रूव करनी है एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन की बात की कि आपने स्टेट इंस्टीट्यूशन पे दैट मीन स्टेट लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इंश्योर एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी फैकल्टी। अब हमें क्वालिटी फैकल्टी की बात करनी है कि अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने हैं, कि इंस्टीट्यूट में ऐसे टीचर्स हों जो आपको रेगुलर लेक्चर्स दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपको पर्सनली भी गाइडेंस दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो कई बार कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर टीचर बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होते, स्टूडेंट इतनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में खासकर फीस भी देते हैं इतनी अच्छी खासी, लेकिन टीचर का पार्टिसिपेशन नहीं है, ना टीचर्स स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ना वो प्रॉपर लेक्चर ले रहे हैं, तो आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फैकल्टी ऐसी हो जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो वो खुद ऐसे हों कि आपको एजुकेशन दे पाएँ। ठीक है, तो क्वालिटी फैकल्टी की बात हो रही है यहाँ पे, और ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, हमें सिर्फ डिग्री इकट्ठा नहीं करना, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में रिसर्च और इनोवेशन का होना। या जैसे देखिए, आपने कंपनीज में R&D डिपार्टमेंट देखे होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ताकि हम वो इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, अपना प्रोडक्ट जो भी डेवलप कर रहे हैं उसमें रेगुलर R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। ऐसे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और सब जगह, और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आप डिग्री ले रहे हैं तो रिसर्च और इनोवेशन की वैल्यू होनी चाहिए और रेगुलर रिसर्च और इनोवेशन होना चाहिए ताकि उसे प्रमोशन मिले। एक्सपेंड इंस्टीट्यूशनल बेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी, देखिए ताकि ना इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी इम्प्रूव की जाए। अगर 40% बच्चे इनरोल हो रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करके 60 कर दिया जाए, 80 कर दिया जाए, उतने ही आप फैसिलिटीज़ भी दें ताकि ज़्यादा बच्चे हैं तो टीचर अच्छे हों और प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, अच्छे क्लासरूम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन, तो आपका वही है कि एक्सेस इक्विटी क्वालिटी, क्वालिटी आपकी फैकल्टी में भी हो और आपका रिसर्च एंड इनोवेशन भी हो। एक्सपेंड करें इंस्टीट्यूशन के बेस को, इन्वॉल्वमेंट रेशियो को इंक्रीज करें। ठीक है, आप कुछ कंपोनेंट्स की अगर बात करें, और इसका जो एक फॉर्मल PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात करें तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज, कि आप अपग्रेड करें जो आपके एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में। आपने देखा होगा एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो अपग्रेड करना है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी तक भी लेके जा सकते हैं आप अगर उनकी कैपेसिटी है तो। कन्वर्जन टू कॉलेजेस टू क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, एक से ज़्यादा क्लस्टर मीन्स एक से ज़्यादा। ठीक है, मतलब तो जिसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को साथ आप कोर्सेज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दिया गया यूनिवर्सिटी को, वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट, ताकि कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ही मीन्स कि प्रॉपर क्लासरूम हो, प्रॉपर फैसिलिटीज हो, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज हो, आपका एक अच्छा प्लेग्राउंड हो, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाएगा। बिल्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका पार्किंग एरिया अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, बोर्ड अच्छे होने चाहिए। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए ग्रांट दिया गया और इसी पर ग्रांट ज़्यादा जाता है आपका, क्योंकि तो इसी में आपके पैसे जाते हैं। फैकल्टी इंप्रूवमेंट की बात की कि फैकल्टी को इम्प्रूव कीजिए, जैसे आप बोल दिया कि कॉलेजेस में नेट मस्ट है, नेट PhD मस्ट हो रही है 2021 से, जैसे बताया जा रहा है कि PhD मस्ट हो जाएगी, तो ये क्या है, फैकल्टी इंप्रूवमेंट। अब करना पड़ेगा उसके लिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, साथ साथ वोकेशनलाइजेशन भी करें, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज करें साथ साथ कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट ले पाए। आपने कुछ कॉलेजेस में देखा होगा, वुमेन कॉलेजेस में और वैसे भी, कि NTT भी साथ साथ हो रही है, जिसमें आपकी आपको फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखा रहे हैं कुछ कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी अलग से चल रहे हैं। क्यों? ताकि डिग्री एक स्किल आपके पास होगी साथ में तो आप कर पाएंगे। ठीक है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट की, फैकल्टी की रिक्रूटमेंट भी रेगुलर हो। कितनी सारी हमारे एट प्रेजेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की हालत है कि अभी भी जो वेकेंट सीट्स हैं उन्हें फिल नहीं किया जा रहा, तो आप चाह रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करनी है हायर एजुकेशन लेवल पे, लेकिन आप टीचर्स को अपॉइंट भी करें उसके लिए भी काम किया गया। फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट की, कैसे रिक्रूटमेंट की जाएगी, टाइमली रिक्रूटमेंट की जाएगी, वेकेंट पोस्ट ना हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल
रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशन के रीस्ट्रक्चर होने पे और रिफॉर्म करने की बात की गई। अब कुछ डेटा था जो मैंने पीडीएफ में तो प्रॉपरली मेंशन किया है, जो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाता है, कि कितना आपको ग्रांट दिया गया और एक्चुअली में कितना हुआ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस के लिए दिया गया 3500 और जो टारगेट था वो पूरा हुआ 1249। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए 150 और 117 तक हुआ। न्यू यूनिवर्सिटीज अप्लाई थी 100 और 16 इस्टेब्लिश हुई। ये डेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि आपका क्या टारगेट था और क्या अचीव हुआ। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से आगे की बात है, जिसमें हायर एजुकेशन को कंसिडर किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर फंडिंग दी जाती है। किस तरीके से फंडिंग दी जाती है? 60:40, 90:10 एंड 100 फॉर यूनियन टेरेटरी। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, कैसे फंडिंग दी जाएगी, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजिक फंडिंग की बात की थी। सबसे पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास जाएंगे फंड्स, फिर वो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल को देंगे और फिर जो आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट है, जो डेटा प्रेजेंट करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमें ये सब रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें फंड्स दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगी होगी। और जो भी चैनल के साथ नए हैं वो सब्सक्राइब किए चैनल को, और आपके इतने अच्छे वैल्यूबल कमेंट्स हैं आ रहे हैं, जो आप वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।